हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एक आज की नई वीडियो में। तो मैं हूँ राशि गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल गुप्ताज व्लॉग। तो आप देख रहे हैं क्योंकि तो ब्यूटीफुल सीन लग रहा है। हम आए हुए हैं मध्य प्रदेश में पन्ना में, जिला जो है पन्ना है और जो गांव है वो कलडा नाम है। तो यहाँ का जो आप ब्यूटीफुल सीन देख रहे हैं ये कुछ इस टाइप से है, आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ की जो मतलब यहाँ की जो एनवायरनमेंट है, यहाँ पर आके इतना सुंदर और इतना मज़ा आ रहा है तो मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सूर्य उदय हो चुका है और ये जो है पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ी इलाका है पूरा। यहाँ पर बहुत मतलब पॉजिटिव एनर्जी एकदम दिखाई दे रही है, पूरे में हरिया भरा पूरा एकदम। ये जंगल में है, यहाँ पर जो है कथा जो चल रही है एकदम जंगल में है। यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा जो है कमी है पानी की। तो यहाँ पर जो है देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर टैंकर आए हुए हैं, सारे टैंकर जो है खाली हो चुके हैं। तो बहुत ही मतलब यहाँ का सुंदर नज़ारा है यहाँ का, आप देख सकते हैं। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सीन लग रहा है यहाँ का। ये जो है पीछे पहाड़ियाँ हैं और कितना सुंदर मतलब बादलों से जो सूर्य देवता जो उदय हो रहे हैं, तो एकदम मतलब देखते ही उन्हें एकदम आनंद सा आ रहा है। तो आप भी देखिए इसे और एकदम सुंदर सा सीन जो है ये आपको पीछे दिख रहा होगा कैमरे से, तो आप इसे देखिए और एंजॉय करिए। तो यही आज की जो वीडियो थी, मैं आपको थोड़ा सा यही दिखा रही थी कि कितना सुंदर सूर्य उदय हो रहा है यहाँ का। माउंटेन्स में से जो है सन निकला हुआ है तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है एकदम। यहाँ पर जो जंगल है ये जो पन्ना में, जहाँ जैसे हम कहते हैं यहाँ पर जो है हीरो भी, हीरे वगैरह जो है पन्ना से ही निकलते हैं, पन्ना की जो होती हैं खोद कर जो है यहीं पर हीरे वगैरह मिलते हैं। तो यहाँ मध्य प्रदेश में जो पन्ना जिला है वहाँ पर कलडा नामक जो है गांव है, तो वहाँ का जो है सीन है आप देख सकते हैं तो कुछ इस टाइप से है। और बहुत ही सुंदर सा नज़ारा दिख रहा होगा आपको, तो बहुत ही सुंदर है। आप भी आइए और अपनी फैमिली को भी लाइए, तो यहाँ का घूमने के लिए बहुत अच्छा है, मतलब जंगल है पूरा, तो बहुत मज़ा आ रहा है हमें। तो आज के इस ब्लॉग में बस यही था, थोड़ा मैं आपको माउंटेन्स वगैरह दिखा रही थी, यहाँ का एनवायरनमेंट दिखा रही थी, तो बहुत ही सुंदर है यहाँ का नज़ारा है। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी अस्पताल। खूबसूरत सपन यूं बैठे रहे हम, चारों तरफ हरियाली है, जिसे देखकर मन खुश हो जाता है।